Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Dear student, मैं हूं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं exclamatory sentences। exclamatory sentences क्या होता है और इसे हम किस जगह पर यूज करते हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज हम किस जगह पर करते हैं। तो इसका यूज हम सरप्राइज, आश्चर्य, हैप्पीनेस, खुशी, एंगर, नाराजगी, पेन, दर्द, लव, प्यार, इन सभी चीजों को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट प्लस नाउन। व्हाट के साथ हम लोग नाउन का यूज एक्सक्लेमेशन के साथ हम लोग कैसे करते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। ये एक नॉर्मल विचार नहीं है, किसी ने आपके सामने एक बहुत अच्छा विचार रखा और वो विचार आपको बहुत अच्छा लगा, तब आप बोल सकते हैं What an idea! क्या दृश्य है, What a scene! इस सेंटेंस को थोड़ा सा आश्चर्य दिखाते हुए आपको बोलना है। जब कोई दृश्य आपको काफी बेहतरीन लगता है तब आप बोल सकते हैं What a scene! क्या प्रश्न है, What a question! क्या जवाब है, What a answer! क्या जगह है, What a location! क्या नृत्य है, What a dance! क्या शैली है, What a style! क्या सुझाव है, What a suggestion! क्या सलाह है, What a piece of advice! क्या मजबूरी है, What a compulsion! क्या लड़की है, What a girl! क्या कार है, What a car! अब हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और लाइक दैट का यूज कैसे करते हैं। इसका मतलब होता है क्या, की तरह। क्या कश्मीर की तरह दृश्य है, व्हाट अ सीन लाइक दैट ऑफ कश्मीर। एक ऐसा सीन, एक ऐसा दृश्य जो कश्मीर की तरह बिल्कुल मिलता जुलता है, तब आप आश्चर्य होकर के आप बोल सकते हैं क्या कश्मीर की तरह दृश्य है। क्या माधुरी की तरह लड़की है, What a girl like that of माधुरी। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल माधुरी की तरह मिलती जुलती है, तो आप बोल सकते हैं What a girl like that of माधुरी। अब हम लोग देखेंगे व्हाट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस को रेस्ट ऑफ वर्ड भी बोला जा सकता है। सेंटेंस देखेंगे, आप कैसे कायर आदमी हैं, व्हाट अ कावर्ड यू आर। इस प्रकार के सेंटेंस को व्हाट अ कावर्ड आर यू से नहीं बनाएंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में यू आर आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। इसका मतलब कोई भी टेंस यहां आ सकता है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, यानी कि कंडीशन के अनुसार जिस सेंटेंस की वहां जरूरत पड़ेगा वहां पर उस सेंटेंस को रखा जा सकता है। क्या तुम्हारा विचार है, व्हाट एन आइडिया यू हैव। क्या प्रश्न तुम पूछ रहे हो, What a question you are asking! अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में you are asking rest of word है और यहां
इस सेंटेंस में कंटिन्यूअस के रूप में इसे यूज किया गया है। क्या फालतू तुम बक रहे हो? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। क्या खूबसूरत उसकी चेहरा है? व्हाट अ फेस ही हैज। अब हम देखेंगे व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कितना ढीला ढाला शरीर है, व्हाट अ बल्की बॉडी। इस सेंटेंस में बल्की एडजेक्टिव है, बॉडी नाउन है। कितना सुडौल शरीर है, व्हाट अ स्टडी बॉडी। कितना दर्दनाक दृश्य है, व्हाट अ पैथिक सीन। कितना आकर्षक डिजाइन है, व्हाट अ कैची डिजाइन। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। अब हम देखेंगे व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड या रेस्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कितनी विनाशकारी बाढ़ थी। इस सेंटेंस में भी यहां पर वाटर डाइवर्सिटेटिंग फ्लो इट वॉज आपका रेस्ट ऑफ वर्ड है। जैसे कितनी जल्दी तुमने जवाब दिया, व्हाट अ क्विक रिप्लाई यू हैव गिवेन। यू हैव गिवेन इस सेंटेंस में रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। कितना नाटकीय मोड़ था, व्हाट अ ड्रामेटिक टर्न इट वॉज। कितनी महंगी कार तुमने खरीदी है, व्हाट एन एक्सपेंसिव कार यू हैव बॉट। कितना विचारवान आदमी आप हैं, व्हाट ए थॉटफुल मैन यू आर। अब हम देखेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव। हाउ प्लस एडजेक्टिव का यूज भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। जब हाउ के साथ एडजेक्टिव आता है तो उसका मतलब कितना या कितनी होता है। जैसे कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कितना सुंदर, हाउ नाइस। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना दूर, हाउ फार। कितने, हाउ मेनी। कितना उत्सुक, हाउ क्यूरियस। जैसे कोई भी बच्चा कुछ सीखने के लिए काफी उत्सुक हो तब आप बोल सकते हैं हाउ क्यूरियस। अब हम देखेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड। जैसे कितना सुंदर वह है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। सी इज इस सेंटेंस में रेस्ट ऑफ वर्ड है। कितना सुंदर तुम हो, हाउ स्मार्ट यू आर। कितना तेज तुम हो, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। कितना देर तुम हो, हाउ लेट यू आर। कितना समझदार तुम हो गए हो, हाउ सेंसिबल यू हैव बिकम। कितना भरोसेमंद तुम हो, हाउ रिलायबल यू आर। कितना धारा प्रवाह तुम बोल रहे हो, हाउ फ्लुएंटली यू आर स्पीकिंग। अब हम देखेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस अ प्लस नाउन या प्रोनाउन। फिर उसके बाद से हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी मदद की, हाउ काइंड ऑफ यू
टू हेल्प मी। अब यहां पर आप देखेंगे काइंड एडजेक्टिव है, उसके बाद से ऑफ का यूज किया गया है, फिर उसके बाद से यूज आपका एक प्रोनाउन है, और उसके बाद से इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। टू हेल्प आपका इन्फिनिटिव है। आप कितने महान हैं कि आप गरीबों की मदद करते हैं। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू हेल्प द पुअर। आपकी मूर्खता है कि आपने उससे दोस्ती की है। हाउ फूलिश ऑफ यू टू डेवलप ए फ्रेंडशिप विद हिम। कितनी बहादुरी से आपने दुश्मनों को भगा दिया। हाउ ब्रेव ऑफ यू टू ड्राइव अवे योर एनिमी। कितना अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं। हाउ नाइस ऑफ यू टू थिंक लाइक दैट। अब हम देखेंगे सो प्लस एडजेक्टिव। जब सो के साथ कोई भी एडजेक्टिव लग करके आता है तो इसका मतलब इतना या इतनी या बहुत होता है। इसका भी यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जैसे यूज करते हैं, जैसे सो नाइस, बहुत अच्छा, कितने अच्छे हैं आप, सो नाइस ऑफ यू, कितने महान हैं आप, सो ग्रेट ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी है आपकी, सो काइंड ऑफ यू, इतनी देर, सो लेट, इतना लोकप्रिय, सो पॉपुलर। अब हम देखेंगे सच प्लस नाउन, और इसका मतलब होता है ऐसा। जब सच के साथ नाउन लग करके आता है तो आप उसका हिंदी ऐसा निकाल सकते हैं, जैसे सच ए बॉय, ऐसा लड़का, ऐसी बात, सच अ थिंग, ऐसा प्रस्ताव, सच एन ऑफर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।